ये है आशु जो गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। आशु की पत्नी सपना और उसकी बेटी मुनमुन वो बहुत ही गरीब थे। बहुत ही थोड़ी कमाई से इन लोगों का घर चलता था। भाग्यवान, सुबह से रात हो जाता है, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन घर के लिए कुछ ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो जा रहा है ये खेतीबाड़ी। अब मुझे शहर जाना पड़ेगा, वहाँ ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई अच्छा काम लग जाए तो मैं तुम्हें और मुनमुन को अपने पास बुला लूँगा। अब मुझे तुम जाने दो। आप शहर जाइएगा, काम ढूँढिएगा, फिर रहने का बंदोबस्त करिएगा, फिर हम दोनों को बुलाइएगा। इतने दिन हम दोनों क्या करेंगे और घर में कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं, कैसे चलेगा हम दो माँ बेटी का? भाग्यवान, मैं राजू मोदी को बोल दूँगा, जब तक मैं ना लौटूँगा तब तक वो तुम्हें उधार का सामान देगा, तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगा। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना और जल्दी लौटना, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। मैं जा रहा हूँ शहर का तरफ। राजू जी, मुझे सामान दीजिए। 5 दिन से फ्री का सामान दे रहा हूँ, अभी पहले पैसा फिर सामान। लेकिन राजू जी, वो तो आपको बोल कर गया था, आप अगर कुछ नहीं दीजिएगा तो हम माँ बेटी भूखा रहेंगे। वो अगर 5 साल बाद आएगा, मैं तुम्हें 5 साल तक फ्री का खाना दूँ? नहीं नहीं, 1-2 दिन का बात हुआ था, इतना दिन का नहीं। मैं पागल नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से और कुछ नहीं मिलेगा। बहन बहन, मैं और मेरी बेटी 2 दिन से बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हो? ओ तुम, तुम्हारा पति अभी तक शहर से नहीं लौटा? ठीक है रुको, मैं लाती हूँ। बहन, कुछ खाना दीजिएगा। फिर तुम लोग आ गए? अभी मैं खाना नहीं दूंगी, 2 दिन तक लगातार देते जा रही हूँ, जाओ तुम लोग यहाँ से। माँ, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाने को दो ना। बेटी तुम परेशान मत हो, मैं खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ। एक तो खाना है माँ। अरे ये लड़की तो चोरी करके खा रही है, कितना हिम्मत देखो इसका, ये माँ बेटी तो चोर है। 2 दिन से लगातार मैंने इन दोनों को खाना दिया, फिर भी इन लोग को भूख लग रहा है। बाबा, इस गांव में चोरी करने का सजा एक ही है, गंजा कर देना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चोर चोरी होता है। आप लोग ऐसा मत करिए, मेरी बेटी बहुत छोटी है, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए, बख्श दीजिए आप। आप लोग ऐसा मत करिए, मेरी बेटी नादान है, भूखी है, रहम करिए आप लोग। माँ, मेरे इतना सुंदर बाल इन लोगों ने काट दिया, मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती, ये दुनिया बहुत जालिम है माँ।